हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितनी खूबसूरत सी ये सॉक्स से डॉल बनाई है। इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट में बना के तैयार कर लिया है। तो आप इसे डिफरेंट कलर में बना सकते हैं। मैंने इसे वाइट कलर में बनाया है। आप इसे येलो, ब्लैक, जो भी आपको कलर पसंद हो आप उन कलर में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो आज हम इन तीन प्लेटों की हेल्प से और ये सॉक्स, इनसे आज हम एक डॉल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सॉक्स लेंगे और उसे हम उल्टा कर लेंगे। तो जहाँ पर इस पर सिलाई है उसे हम काट लेंगे यहाँ से थोड़ा सा। और इसी तरीके से हम दूसरे सॉक्स के साथ करेंगे कि जो ऊपर का इसका हिस्सा होगा उसे हम काट लेंगे। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसे भी काट देते हैं। इस तरीके से। तो अब हम इसमें से धागे निकालेंगे। अब इसका एक जैसे धागे निकलना शुरू हो गए हैं। तो इन धागों को हम उठा देंगे। सबसे पहले हम बड़ी वाली प्लेट लेंगे इस तरीके से, कोई भी थाली ले सकते हैं इस तरीके की। और इस पे हम अपने सॉक्स को रैप करेंगे इस तरीके से रखते हुए साइड, उसको प्लेट को। तो इसके बीच में हम इस सॉक्स को इस तरीके से रैप करेंगे। अब सॉक्स अपने आप इस तरीके से उधड़ता जाएगा और हम इस पर पूरे सॉक्स को रैप कर लेंगे। तो सॉक्स के पूरे धागे निकलते जाएंगे और इसे हम इस पर रैप करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा सॉक्स करना है। तो एक सॉक्स को मैंने पूरा कंप्लीट इस पर रैप कर लिया है। तो अब हम दूसरे वाला सॉक्स लेंगे और इसको हम यहाँ तक हाफ इस तरीके से हाफ करेंगे और हाफ तक हम इसे रैप कर लेंगे। तो इसे भी हम इसी तरीके से आधा इसका इस पर रैप कर लेते हैं। तो इस सॉक्स के भी मैंने पहले के जैसे धागे निकाल लिए हैं और इसको एक जैसा कर लिया है। तो इसे भी हम इस पर रैप कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने हाफ सॉक्स को रैप कर लिया है, ये देखिए। और इसमें मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा दिया है। तो ये हमारा हाफ सॉक्स बच गया है। तो अब हम इस प्लेट को एक साइड में कर देंगे और अब हम ये दो प्लेट्स लेंगे। तो इसमें से पहले हम बड़ी वाली प्लेट्स ले लेते हैं और ये सॉक्स हमारा हाफ बच गया है। तो इसमें से हाफ हम इस वाली प्लेट पर रैप करेंगे और हाफ हम इस वाली प्लेट पर रैप करेंगे। तो अब हम इस पर रैप कर लेते हैं। इसी तरीके से हम ये सॉक्स को इस पर रैप कर लेते हैं। इतना मैंने इस पर रैप कर लिया है और इतना हमारा बच गया है। तो अब हम इसे भी काट कर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस
तरीके से। तो अब हम दूसरी वाली प्लेट लेंगे और इस प्लेट को हम साइड से कर देंगे। तो अब मैंने ये दूसरी वाली प्लेट ली है, यानी कि तीसरी प्लेट जो सबसे छोटी है, तो इस पर भी हम रैप कर लेते हैं। जो भी सॉक्स, जितना भी ये सॉक्स बच गया है उतना हम इस पर रैप कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने तीनों प्लेट्स पर इस सॉक्स को रैप कर लिया है। तो अब हम यहाँ से बीच में से इसे कट कर देंगे, इस तरीके से काट देंगे और इसे हम एक साइड में रख देंगे। इस तरीके से हम इसे एक साइड में कर देंगे और तो अब हम इसे भी काट लेते हैं। और इसी तरीके से हम इसे भी काट लेंगे। तो इन तीनों को मैंने काट लिया है। तो इन तीनों को मैंने इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। तो अब हम ये बीच वाला है इसे हम साइड से रख देंगे और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके देखेंगे, इस तरीके से। तो इसका हमें एक सेंटर पॉइंट बनाना है। तो इस तरीके से इसका सेंटर बन गया है। तो अब हमने जो सबसे छोटा वाला कट करके रखा था उसे हम इसके सेंटर पॉइंट में इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर हम नॉट कर लेंगे, यानी कि इससे धागे से बांध लेंगे। और जो हमने सॉक्स में से सबसे पहले धागे निकाले थे एक जैसा करने के लिए, उनसे हम इसे बांध लेंगे, जिससे ये पता भी नहीं चलेगा। आप चाहें तो इसे रील से भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा टाइट बांधेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बांध लिया है, इसे अच्छे से नॉट कर लिया है। तो अब हम इसे एक जैसा कर लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसे यहाँ से बांधेंगे। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए यहाँ पर इसे बांध लेंगे, जिससे इसका माउथ बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पर बांध लिया है। तो अब हम इसे दो भागों में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। और जो हमने ये बीच वाली प्लेट का रखा था इसे हम इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और इसको हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा हो तो आप एक साइड में निकाल कर उसे कट कर सकते हैं बाद में, इस तरीके से। तो इसे हम इस तरीके से एक जैसा कर लेंगे और यहाँ पर भी हम इसे बांध लेंगे इस तरीके से, इतना इसमें गैप छोड़ते हुए। इस तरीके से बांध लिया है और जो भी इसमें एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे हाथों का। इस तरीके से इसकी हैंड बन गए हैं, इस तरीके से कट कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसकी कैप बनाएंगे और जो हमारे ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ था सॉक्स का उसे मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसे कैप पहना देते हैं। आप कोई भी कलर की इसमें ले सकते हैं, मैंने इसी सॉक्स में से ले लिया है इसे, इस तरीके से। और थोड़ा सा इससे बाहर निकल रहा है उसे भी हम कट कर देंगे। हमारा
माउथ हो गया, ये बॉडी हो गई और ये इसकी फ्रॉक हो गई। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कलरफुल स्टॉल लिए हैं, थोड़ा सा रिबन और फैब्रिक ग्लू, और मैंने यहाँ पर ये 3 बिंदियाँ ली हैं जिससे हम इसकी आइज और माउथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आइज और माउथ बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये डॉल को हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे डॉल को, और सबसे पहले हम इसकी आइज बना लेंगे। इसका माउथ बन गया इस तरीके से। तो अब हम इसमें से रिबन लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कैप का हम नाप लेंगे सबसे पहले इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से, आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। तो इस रिबन को इस तरीके से हम यहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसे फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे पूरी रिबन पर। तो इस तरीके से मैंने ये रिबन लगा दी है ऊपर कैप पर। तो अब हम रिबन से यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो जितनी हमें रिबन की जरूरत होगी उतनी हम इसमें से कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें एक नॉट लगा देंगे। इस तरीके से तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी ये डॉल लग रही है। और यहाँ पर मैंने ये कलरफुल स्टोन लिए हैं। तो अब हम इस पे स्टोन चिपका देते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। चिपकाने वाले हैं ये आपको मार्केट में सिर्फ 5 रुपए में ये पूरे स्टोन मिल जाएंगे। तो ये पूरी स्कर्ट पे हम इसकी पे ये स्टोन लगा लेंगे। डॉल की फ्रॉक को मैंने इस तरीके से मोतियों से डेकोरेट कर दिया है। तो ये हमारी डॉल कितनी सुंदर सी लग रही है, वो भी हमने इसे सिर्फ 25 से 30 रुपए में बना के घर पर ही तैयार कर लिया है। और ये हमारी कितनी ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो अगर आपको मेरा ये सॉक्स वाला DIY पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।